भाई हो गया बाद में करता नहीं यार बात। भाई हो गया तेरा। ओए यार ओए बहुत ही सत्कार योग बेरोजगार ईटी टेट पास अध्यापक साथियों सारे नूं सत श्री अकाल। वाहगुरु जी का खालसा श्री वाहगुरु जी की फतेह। सो साथियों तुहानू पता ही है कि अपना 635 का मैटर जिहड़ा है वह कोर्ट के हाई कोर्ट के जिहड़ा वह फसया होया है। सो तुहानू सब नूं पता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी जिहड़े है वह आर्डर अपने पक्ष के आए हुए हैं। सो अज की जिहड़ी है हाई कोर्ट के अपनी सुनवाई सीगी। सो इत्थे मैं एक तुहानू गल दस दिया कि अज जो अपनी सुनवाई हाई कोर्ट दे विच हुई है उस दे विच बहुत वधिया जिहड़ा जो अपना मैटर सीगा अपने वकीलों ने एडवोकेट जिहड़े हैगे सीगे आत्मा राम चाहे वह एच एस सैनी हैगे सीगे उन्होंने बहुत वधिया जिहड़ा आपदा पक्ष जिहड़ा वह अपना रखिया। पर साथियो तुहानू इत्थे एक गल करदे आ कि जो अपना इशूज सीगे जो बी एड जां ई टी टी दा मैटर सीगा तुम दस दी कि अज स्टेज टुटन के पूरे जिहड़े आ आसार सीगे जिंदे विच जज साहब ने भी कहता सीगा जेकर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं कर रही तो हाई कोर्ट के विच जिहड़ा है वह स्टे नहीं हो सकता तो इन्हां नूं ऑफर लैटर जिहड़े आ उह दे दित्ते जाणे चाहीदे सीगे। सो असी भी कोर्ट के विच सीगे जदों बहस जिहड़ी उह हो रही सीगी तो मैं साथियों तुहानूं इत्थे दस दिया कि एक जो इशूज अपनी 635 के विच है नहीं सीगा परंतु भर्ती लमकाउण दे लई अपने एंटी जिहड़े बी एड वालों जिहड़े एडवोकेट जिहड़े उह खड़े कीते हुए आ तां उहनां वालों एक ये मैटर जिहड़ा वह इशू चक्या गया कि एक ये प्रोसैस जिहड़ा जिहड़ी 635 आ इस तक कंप्लीट जिहड़ा बोर्ड जिहड़ा वह कमेटी जिहड़ी है वह नहीं बनाएगी तो सानूं जिहड़ा वह समां दित्ता जाए कि असीं जिहड़े तथ है वह तुहाडे अगे जिहड़े वह पेश कर सकीए। सो साथीओ इन्हां गल्लां दे करके तो जी अगली हेयरिंग जी है वह 18 अप्रैल जी वो पई है। तो साथियो बाकी जेडे आर्गूमेंट जो भी है वह अपने सही जे पेश किए गए हैं वकीलों वालों कोई भी कमी जी है वह नहीं रखी गई तो स्टे जी है वह टुटूगी घबराने की जरूरत नहीं गी बी एड आउट होगी ओनली ई टी टी की जी है वह भर्ती होगी। जेडे बी एड वालों एडवोकेट एडवोकेट किए हुए थे उन्होंने कोई भी इस तरह के तथ नहीं जेडे कि वह भर्ती जोड़ा स्टक डाउन करते जा इस होर अगे लमका के जाते। पर साथियों तुहानू ये दस दिए कि हुण जिहड़ी है आने वाली हेयरिंग होएगी बी एड तो साथियों तुसीं समझ लो कि वह आउट हो चुकी है बी एड अपनी 635 भर्ती दे विच कदे भी नहीं आऊगी ओनली ई टी टी की जी भर्ती होगी। सो इत्थे मैं तुहानू दस दिया कि साथियों अपनी यूनियन के स्टेट कानूनी सलाहकार जिहड़े आ जरनैल सिंह नागरा जी वह तुहानू डीपली जिहड़ा इस बारे दसणगे। सो सारे साथियों ने बहुत ही ध्यान दे नाल जिहड़े आ जरनैल सिंह नागरा के जिहड़े वह विचार सुनने हैं तो बाकी गल जिहड़ी है वह तुहाडे च बाद विच जिहड़ा लाइव होके असीं पूरी जानकारी होर देंगे। पर जो कानूनी सलाहकार साडे जरनैल सिंह नागरा ने उन्हां दी पहला गल तुसीं सारे साथियों ने ध्यान नाल सुननी है। धन्यवाद साथी। सारे बेरोजगार अध्यापक साथियों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। साथियों जिवें अज तुसीं ग्रुपां दे विच देखिया कुछ रिकॉर्डिंगां पै रहियां ने कि जेडे एडे एडे सीनियर एडवोकेट करे थी इन्ने महंगे एडवोकेट करे थी उन्होंने करया कुछ नहीं स्टे नहीं टुटी तो जोड़ा मसला वो साल साल ही लटकता रहना इतों सूँ पता लग गया हूँ उन्होंने हार हो चुकी है तो वह हार मन चुके ने अज उन्हों हार हो चुकी आ स्टे टुट गई सी स्टे टुटन तो बाद उन्होंने जो कोई चारा नहीं बचा स्टे अगे ले उन्होंने भर्ती कैंसल करा का बोर्ड न बोर्ड गलत साबित करने की कोशिश करी आ ये तुम उन्होंने खुद पूछ सकते हो कि उन्होंने भर्ती कैंसल करवाने की कोशिश करी है या नहीं करी उन्होंने बोर्ड की गल चकी आ बोर्ड तो उन्होंने आर्गूमेंट कर बोर्ड तो उन्होंने गल्ला करिया ने कि जी 2364 आ वो स्टक डाउन होगी 635 भी स्टक डाउन की जाए पर अपने काबल वकीलों के बदौलत अजो भर्ती बच गई स्टक डाउन नहीं हुई तो उन्होंने बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने तरीक मंगी सी कि 12 मई जी 2364 के बच्चा जोड़ा रिव्यू लग्या हो अगली बाद की तरीक दी जाए
पर अपने काबिल वकीलों के कारण उन्होंने ना तो यह तरीक अगे नहीं मिल चुकी सकी हैगी जिहड़ी तरीक वह पई 28 अप्रैल हुण इत्थों साफ 18 अप्रैल पई हैगी इत्थों साबित हो जाता भी उन्होंने जिनी कोशिश की उन्होंने बोर्ड का भी बहाना लाया भी ये गलत है जो उन्होंने साफ यही गल उन्होंने वालों रखी गई है कि जो तो बोर्ड ही गलत है जो कोई भर्ती ही गलत आ तो वो बी एड एंटर हैगी है ज नहीं हैगी बाद का मुद्दा जो भर्ती गलत हैगी पहला भर्ती उन्होंने कैंसल कराने तक अज गए ने सिर्फ अपने वकीलों की मेहनत सदका यह भर्ती अज बच चुकी आ ठीक है ना उन्होंने अगे हम बोर्ड का हवाला दिता जो उन्होंने फिर भी बोर्ड से भी कोई आर्गूमेंट करने ना मिलया भी असी जेडे अपने वकीलों ने मूहरू आर्गूमेंट करे उन्होंने कोई उन्होंने जो जवाब वो मिल नहीं रहा फिर उन्होंने एंड से एक जवाब दिता असी ये तो कहते अपने तथ्य होर देने चाहते हैं जोड़ा यह बोर्ड है ये गलत हैगा इस आधार पर उन्होंने जी तरीक हैगी 18 अप्रैल मिली हैगी ठीक है ना उन्होंने ये तरीक की जी 12 मई तो बाद लैन की कोशिश करी आ पर उन्होंने कुछ भी नहीं मिलया जी उन्होंने यह झलक उन्होंने हारन की वो तुम रिकॉर्डिंग साफ देख सकते हो ये जिन्हें वह इन्नी घटिया करतूत तक पहुँच गए कि उन्होंने भर्ती कैंसल कराने की गल रखती उन्होंने ये इतने तक नहीं उन्होंने सोचा कि यह भर्त जी बोर्ड आ यह बोर्ड कला 364 या 635 वास्ते नहीं है जिन्निया बी एड दर्ती ने उन्होंने सारिया वास्ते बोर्ड यह बनया हुआ जोड़ा वो काम कर रहे हैं जोड़ा वो काम कर रहे हैं गे ये सारी भर्ती खराब करने का काम कर रहे हैं ना उन्होंने आपका नंबर अज आए ना आए कल न सिर्फ उन्होंने भर्ती कैंसल करवाने लई वह कल्ली ईटीटी के दोषी नहीं है वह बी एड ज जी एन टी डी पोस्टा ने उन्होंने भी दोषी ने क्योंकि बोर्ड उन्होंने भी यही आ इनडायरैक्ट वे उन्होंने भी नुकसान पहुँचा रहे हैं गे ये उन्होंने खुद पूछ लो भी बोर्ड की गल रखी है ज ना रखी आ हूँ जो समझौता गल करते हैं वो सिर्फ बोर्ड की गल करके भर्ती कैंसल धमकियां दे के सिर्फ समझौते से आते हैं उन्होंने पता से भी हार चुकिया उन्होंने अज जो आपका आखिरी हथकंडा थी वो अपना लिया उन्होंने आपकी फेलीयर साबित करती इंसानियत ही उन्होंने खूह के खाते डेगती क्योंकि उन्होंने बोर्ड एक जो बोर्ड चैलेंज करना थी उन्होंने अज वह करा गा उन्होंने बोर्ड की गल रखी 364 रिव्यू की गल रखी आ यह जो बोर्ड आ नुकसान कला ईटीटी नहीं है जिन्हें भी बी एड दर्ती आई हुई ने वह सारिया इस बोर्ड नहीं कटिया हुई ने यह खुद उन्होंने सारे बी एड का भी नुकसान कर रहे हैं सिर्फ 4-5 बंदे ने ठीक है ना जेडे शरारती अंसर ने इन्हों तो आप ना लग्या जाना ना यह लगन ना ही ईटीटी लगन ना बी एड वाले बी एड की पोस्ट से लगन देना क्योंकि उन्होंने भी जोड़ा यह टोआ पट रहे ने गे हूँ तुम इन्हों की करतूत आप देख लो इन्हों आप सवाल पूछ लो भी सोडे वकीलों वालों ये गल् रखी गई ने भर्ती स्टकडाउन की गल रखी गई आ जोड़ा उन्होंने रिव्यू 12 तरीक की उदू बाद डेट लाइन की जी गल रखी गई आ पर इन्हों सफलता कख भी नहीं मिली ना इन्हों मिले साथीओ लोड़ आ गई हुण एकता बना के लड़ो इत्थे जित्तिया तां जित्तांगे अगला मोर्चा भी चाहिए ये रूल कुछ भी रूल चैलेंज करना चाहिए ये बोर्ड नूं चैलेंज करना मिलना इन्हां नूं कख नहीं है गया इन्हां ने करना की आ ना इन्हां ने बी एड वाले लगन देने ना इन्होंने एन टी टी वाले लगन देने ना इन्होंने ई टी टी वाले लगन देने इन्हां दे पल्ले की आ सिर्फ बोर्ड चैलेंज करना थी इन्होंने वो करता उत्थे भी इन्हां नूं कोई सफलता नहीं मिली सिर्फ अपने काबिल वकीलों के कारण ये जिहड़ा हैगा भर्ती बची हैगी यही काबिल वकील बी एड दर्ती भी बचाएंगे एन टी टी दर्ती भी बचाएंगे ई टी टी भी भर्ती भी बचाएंगे पर इन्हें काबिल जोड़े वकील ने वह लख कोशिश कर लन और कोई भर्ती का कदें नुकसान नहीं कर सकते असी कोशिश कर पूरी कोशिश करा भी 18 तरीक न जोड़ा बोर्ड वाला मैटर आ यह पूरी तरह सॉल्व हो जाए साड़ी डिपार्टमेंट नाल भी हुण गल चली आ इस तो असीं आपदे वकीलां नाल जिहड़ी उन्हां नाल भी इह गल करना चाहुंदे आ हुण इक फर्ज साथियों सोडा बणदा तुसीं इन्हां नूं पुछो भी तुसीं इह घटिया हरकत करी क्यों आ चाहिए वह बी एड वाला होवे एन टी टी वाला होवे तुसीं बोर्ड चैलेंज करे कि बी एड दीआं पोस्टां किसे होर बोर्ड ने कटिया ने तुसीं खुद इन्हां तों सवाल पुछो भी इन्नियां घटिया हरकत तां तुसीं कर किवें सकदे हो इक पढ़े लिखे इंसान होण करके सो साथियो इस तों बाद जो तुहानूं अगली गल आ उह निर्मल जीरा जी दस्सणगे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह साथियो अज कोर्ट दे विच जो भी मसला होया उस बारे तुहानू प्रधान जी ते अपने जरनैल नागरा जी सारा दस के ही गए ने कि जदों ओपोजिशन इदां भर्ती नूं ढा लाउण दी जिहड़ी कोशिश आ ओह ओपोजिशन वल्लों कीती जा रही आ तां साथियो हुण इत्थे लोड़ एका बनाउण दी आ इन्हां शरारती अंसरां नूं नत्थ पाउण दी आ कि जिहड़े बड़ी जद्दोजहद तों बाद लईआं भर्तियां नूं एक भंग दे भाणे रोलण दी कोशिश कीती जा रही आ ओह
जिहड़ियां दलीलां ने जिहड़ा केस दे विच कोई मसला नहीं हैगा उस नूं उभार के ते किद्दां भर्तियां नूं ढा लाउण दी कोशिश कीती जा रही आ। जेकर बोर्ड दी गल वार वार इन्हां एडवोकेट वल्लों कीती जांदी आ तां पिछले पांच सालां दे विच चाहे दस सालां दे विच जिन्नियां भर्तियां होईयां तो वह डायरैक्टर ऑफ बोर्ड जो अज भर्तियां कर रहा उस ने कीतियां ने ते अगे भी जिहड़ियां भर्तियां प्रोसैस दे विच ने जिन्हां दा पेपर रहिंदा वह भी यही बोर्ड भर्ती कर रहा। आ एक बहुत उन्होंने जो चारे पास्यों हार मिलती वेखी तो अज स्टेट उत्तर तो जो ऐन कंधे ते सी जिस तरह प्रधान जी दस के गए तो वाकई वह गल सही सी उन्होंने ऐन मौके पर एंड ते पॉइंट जिहड़ा वह उठाया। तो साथीओ हुण तुहाडे एके दा सबूत आ तुसीं इन्हां तों सवाल पुछणे आ एका बना के रखना आने वाले टाइम च ये जिहड़ा जो भी इन्हें किया 18 अप्रैल नूं इहदा मूँह तोड़वा जिहड़ा जवाब आ वह दिता जाऊगा। तुसीं एका बना के रखो किसी नाल ग्रुपां दे विच बैसन की लोड़ नहीं। जिहड़े मामले आ जे अदालतों दे विच चलदे आ तां उह निबड़दे थोड़ा कई वारी टाइम लगता तो किसी तरह का घबराउण की लोड़ नहीं। जिते आपां थोड़ा समा पहला बताया कि टेंशन दे विच बेचैनिया दे विच समा बीतदा अज भी सारे साथियों की निगाह अज की 30 तरीक ते सी पर निराशा उदों हाथ लगी जदों इन्हां वल्लों एक घटिया चाल चल के इसकी तरीक अगे पै गई। पहला इसकी तरीक होर अगे लैना चाहते सी तो घट्टो घट 1.5 महीने की तरीक मंग रहे थे। जेकर कितें आपां नूं हार दा कारण आपां हारदे दिसदे आपां तरीक लंबी तां मंगदे आ जेकर आपां जित वल नूं होईए ते आपां तरीक नेड़े मंगदे आ। अज बीएड ने उत्थे बीएड दे साथियों वालों जिहड़ी बीएड दे एडवोकेट वालों अज जिहड़ी तरीक लंबी लैण दी कोशिश की गई पर जज साहब ने जिहड़ी तरीक तां नेड़े दे देनी सी पर 18 तरीक छुट्टियां नूं मुख रख के कुछ 17 तरीक तक छुट्टियां होण करके जिहड़ी 18 तरीक आ उह जज साहिबां वालों दित्ती गई आ। तां साथियों एका बना के रखो घबराउण की लोड़ नहीं भर्तियां पूरियां होणगियां जिहड़ा इन्हां ने अज नवां सवाल खड़ा किया उहदा जवाब भी जिहड़ा बड़ी जल्दी आ उह दित्ता जाऊगा। तो जे कोई वध घट बोलिया खिमा दा जाचकां जय जनता जय संघर्ष जित लड़दे लोकां दी। इस तों बाद मैं शैलेंद्र कंबोज जी नूं कहांगा आपदे। हाँ जी बहुत ही सत्कारयोग ETT टेट पास बेरोजगार अध्यापक साथीओ फतेह प्रवान करना वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की फतेह। तो साथीओ निराश नहीं होना है सारिया ने जिहड़ा गा वह तुसी चढ़दी कला दे विच रहना गा बहुत ही वह समा अपना नज़दीक आने वाला है जदों तुसी सारे जिहड़े है वह स्कूलों के होवोगे। और अज इत्थे एक गल बिल्कुल स्पष्ट है कि जिहड़ा तुसी आपां पिछे देख रहे गए सीगे कि एक साडे साथियों वालों भी जिहड़ा गा एक वह चल रहा सीगा कि हाँ 2364 जिहड़ी हैगी है वह यूनियन चेहरा जिहड़ा हैगा ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਥੀਓ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਨਾਗਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੀ ਔਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ AG ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਥੀਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੈਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਬੀ ਐਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਣੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਖੇਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਹਿਣੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6635 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2364 ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ETT ਵਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਕੰਨੀ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪਕ ਜੀ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਪਟੀ AG ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ BEd ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਟੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ 18 April ਹੈ ਤਾਂ 18 April ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਰਵਿੰਦਰ ਹਬੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਉਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਰਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਸਾਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਡਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਡੀਪਲੀ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਨਾਗਰਾ ਨੇ, ਨਿਰਮਲ ਜੀਰਾ ਔਰ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2364 ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ, 6635 ਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਨਲੀ ETT ਹੈ। ਤਾਂ ETT ਦੇ ਲਈ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਹੈ। ETT ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ NCT ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ BEd ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ETT ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ BEd ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਹੁਣ BEd ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ BEd ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ETT ਦੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋਧਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਥੀਓ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਲਈ ਓਨਲੀ BSTC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਔਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ
गल कही है, जो सुप्रीम कोर्ट के स्टे नहीं हो सकता तो हाई कोर्ट के स्टे किवें हो सकता है। अज अपने ऑफर लैटर जड़े है स्टे टुट जाना सीगा, परंतु साथियों तुहानू यह मैं गल कर दिया कि जिहड़ी नवीं नवी आडियो पा के गल कर रहे हैं कि साढ़े नाल समझौता आ के जिहड़ी ई डी डी यूनियन के आगू है वह कर लैन 200-250 साडा बंदा लगता है तो सानू बैठ के जिहड़ी गलबात कर लेनी चाहिए है। हाँ एक गल तुहानू दस दिया कि इत्थों तुहानू सारा कुछ स्पष्ट हो रहा है कि बी एड जिहड़ी है वह मुड़ तो ही सारी जिहड़ी है ई टी डी दे विचों आउट हो रही है, क्योंकि जिहड़ी अज समझौतिया की गल हो रही है कि इत्थों तुहानू सारे नूं कन्फर्म होना चाहिए है कि बी एड जिहड़ी है वह आउट हो चुकी है। सिर्फ एक छोटा मैटर जिहड़ा है वह एक बोर्ड का मैटर जिहड़ा वह आके जिहड़ा विच इशूज जिहड़ा नहीं सीगा वह भी आके जिहड़ा वह खड़ा हो गया, परंतु यह कोई एडा वड्डा मैटर नहीं गा। असी डिपार्टमेंट के नाल भी गल करी है, डायरेक्टर साहब के नाल, एडवोकेट जिहड़े अपने प्राइवेट है उन्होंने नाल भी गलबात जिहड़ी करी है। तो साथियों आपकी कोशिश असी पूरी करांगे कि 635 जिहड़ी है ओनली ई डी डी की जिहड़ी भर्ती है वह साडी होगी। 18 तरीक तक असी बोर्ड से भी जिहड़े आ सबूत जिहड़े आ वह आदे जिहड़े तत्थ है वह असी पूरे जिहड़े कंप्लीट करांगे, ते जिन्ना तक भी साडी कोशिश है भी असी दिन रात एक करके ये भर्ती जिहड़ा ओनली ई डी डी टैट के पास के जिहड़े आ साडे साथी हैगे वह भर्ती जिहड़ी आ कंप्लीट करवावांगे। नवा इश्तिहार भी जिहड़ा साथियों इत्थे मैं गल कर दिया, जेकर आपां चाहुंदे आ भी तुहाडे कोल भर्ती बहुत सारी गल्लां हुंदियां ने भी भर्ती कंप्लीट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि ये इशूज जिहड़े आ एन सी डी के रूलों के करके लगे हुए हैं, भर्ती तां नहीं कंप्लीट हो रही, पर वह भी इशूज जिहड़े आ खत्म हो चुके ने। आपां नवीं भर्ती भी लैनी है, जदों वे स्टे टुटूगा तो अपनी जिहड़ी अगली भर्ती जिहड़ी आऊगी 5994 है उस ते कोई भी जिहड़ा केस जिहड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि सब अज औखे होलांगे आपां, चाहे तरीक एक होर पै जाए पर बी एड जिहड़ी आ आउट हो जूगी, अपनी जिहड़ी अगली भर्ती आऊगी 5994 बिल्कुल फ्रैश जिहड़ी है ई टी डी दी आऊगी। तो इसलिए साथियों हौसला जिहड़ा है वह बना के रखना है, घबराउण की जरूरत नहीं गी, ठीक है समा जरूर लग चुकिया है भी तुसी भी घबराउंदे हो भी आपां नूं जल्दी जिहड़ा ज्वाइनिंग लैटर मिलन, ये गल तुहाडी सही है, पर कुछ अड़चना इस तरह दियां ने कि आपां जिहड़े अपने तो जिहड़ा वह वस दे विच नहीं गिया, इस करके साथियों हौसला बना के रखो बहुत ही जल्दी जिहड़ा वह आपां जिहड़ी जित है वह प्राप्त करांगे तुहाडे साथ दे नाल करांगे। तां साथियों जिहड़ी ई टी डी यूनियन है पूरी स्टेट है वह आदे वालों पूरी कोशिश जिहड़ी वह कर रही है कि ई टी डी साथियों जिहड़ा वह ई टी डी की पोस्ट जिहड़ा उन्होंने लवाइए तो स्कूलों के ज्वाइन कराइए। सो सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय जनता जय संघर्ष जित लड़दे लोगों की। सत श्री अकाल जी सारियां नूं, लगभग मैं सब दे जिहड़े आ कमेंट पढ़ी रहा सीगा, ते अज जिहड़ा गा अपने वकीलों के वल्लों जिहड़ा प्रोपर जिहड़ा गा अपना प्रूफ आ ते एविडेंस आ ओह रखिया गया गा, ते उस तों बाद जिहड़ा असल ते विच जिहड़ा गा जज स्टे ब्रेक करन लई तैयार सी ते गल भी चलदी सी हीरिंग दे विच, ते पर जिहड़ा गा एट ए टाइम बी एड वालिया ने बू जिहड़ा अपना बोर्ड आ भर्ती दे उत्ते जिहदे करके 2364 स्टक होई आ उस दी गल कीती, इत्थे अपने ना तो किसी वकीलों का कसूर आ ते ना ही जिहड़ा गा जथेबंदी का कसूर आ। साथियों जिहड़े अपने कमेंट मैं पढ़ रहा सी, जे किसी साथी नूं लगदा गा भी तुसीं साडे जां कानूनी सलाहकार तो वधिया जां साडी स्टेट कमेटी तो वधिया परफॉर्म कर सकदे हो तां तुसीं साडे नाल आओ, आपां बैठ के गल करांगे ते साडे नाल आ के कम करो भाई, सानूं भी जॉब चाहीदी आ ते तुहानूं भी जॉब चाहीदी आ, ठीक है जे तुहाडे साथ नाल जे सानूं जॉब मिल जूगी तो इस दे विच मैनूं नहीं लगता भी कोई दो राय हैगी आ। सो साथियो अज जिहड़ा भी साथी नूं कोर्ट के बारे ज़्यादा पता गा तो साडे नाल आ के कम करे, ग्रुपां दे विच आपां जिहड़ा गा इस तरह का बोलण तो ग्रेज करिए ते लाइव चैट दे विच भी ग्रेज करिए, इकट्ठे होइए भर्ती आपां ने पूल चढ़ाउणी आ, ठीक है। अज बड़ा वड्डा कारण बन गया सी स्टक डाउन वाली गल आ जिहड़ी होन लगी सी हो चुकी सी लगभग, पर एट ए टाइम अपने वकीलों ने उत्थे जाके जिहड़ा मैटर संभालिया, ठीक है। स्पैशल जिहड़ा अपने इत्थे लाइव चैट दे विच साथी बोल रहे सीगे भी जिहड़ा आत्मा राम आए आ जे वो भाई तुहाडी आत्मा राम दे करके ही जिहड़ा अज आपां एक्टिव मोड च बैठे हाँ, अपनी भर्ती का प्रोसैस जिहड़ा हुण एक्टिव आ ता आत्मा राम ते हर अवतार सैनी करके ही आ, नहीं तो कम हो चलिया सी। सो साथियों तुहानू अपील आ भी भाई लाइव चैट दे विच बोलना बड़ा सौखा गा, साडे नाल आओ चंडीगढ़ आके साडे नाल तुसी खुद कम करके देखो भी असल दे विच ग्राउंड दी रियलिटी की आ,
ठीक है ना। तो साथियों नाल चलो साढ़े, सानू भी जॉब चाहिए तो थानू भी चाहिए आ। असी आपदे वालों जिहड़ा 100-95% जिहड़ा गा कर रहे हैं गे, पर जे तुसी ज़्यादा वधिया परफॉर्म करोगे ना भाई आओ साढ़े नाल आपां रल मिल के काम करिए। तो भर्ती है जिहड़ी 435-2364 जिहड़ी अपनी जिवें अड़ी हुई आ आपां उहनूं पूल चढ़वाइए। असी जिहड़ा गा इसका हल भी जिहड़ा बोर्ड वाला मैटर हैगा वह जिहड़ा जल्दी कढ़वावांगे। बाकी एक गल थोनू मैं हुण होर दस दवां लास्ट ते, जिहड़ा अज कोर्ट दे विच मसला गा वह ETT BED का नहीं सी रहा। ETT दे पक्ष दे विच लगभग सब कुछ आ ही गया सी, ते स्टे तोड़न की गल भी जिहड़ा हीरिंग दे विच अपने जज साहब द्वारा जिहड़ा कीती जा रही सी, पर मौके दे उत्ते जिहड़ा लास्ट आर्गूमेंट आ जिहड़ा अपना बोर्ड वाला वह बन गया, जिहदे करके हुण 18 तरीक तक दित्ती हैगी अप्रैल 18 अप्रैल, जिहदे विच उन्हां ने जिहड़ा गा डिपार्टमेंट ने भी ते BED वाले ने भी इहदे संबंधी जिहड़ा गा सबूत पेश करने आ। सो साथीओ धन्नवाद सब दा लाइव ते जुड़े रहे। साथीओ अपने लाइव चैट दे उत्ते भी ज़्यादातर BED वाले साथी बोलदे आ, उन्हां दे किसे दे मगन ना लगो, आपदे दिमाग नाल चलो। ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਸਾਥੀਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ CM ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 9-17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀਰਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ CM ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੁੱਟੀਆਂ 10 ਲਗਭਗ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ BED ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਆਪਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ETT ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ETT ਹੀ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਊਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਭ ਦਾ।